हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। हम सब ने जब भी आयुर्वेद कंसल्टेंट को या कभी आयुर्वेद चिकित्सा अपनाई हो तो हम सब एक बात जरूर सुनते हैं कि आपका वात इम्बैलेंस है, पित्त इम्बैलेंस है या कफ इम्बैलेंस है। क्या होता है ये वात पित्त कफ, किस तरह इसकी वैल्यू है डायग्नोसिस बनाने में, और हम कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे ये जान सकते हैं कि हम वातज हैं, पित्तज हैं या कफज हैं। ये वीडियो आपके सामने आज हम बनाने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो बने। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं क्लियर कर पाऊँ वात पित्त कफ का ही कॉन्सेप्ट। वात पित्त कफ ये आयुर्वेद के दोष हैं, वो एलिमेंट्स जिनके इम्बैलेंस होने से ही कोई बीमारी उत्पन्न होती है, आयुर्वेद का ये मानना है। वात को हम एयर एलिमेंट से जोड़ते हैं। अगर व्यक्ति कोई भी वातज प्रकृति का हो तो उसको किस तरह के रोग होंगे, कॉन्स्टिपेशन, स्किन ड्राइनेस, आंखों में इरिटेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इंसोम्निया, नींद कम आना, और वो बहुत ही चंचल स्वभाव के होंगे, मतलब वो स्टेबल नहीं होंगे। तो आप अगर अपने आप में सेल्फ एनालाइज करना चाहें तो आप इन चीजों को देखें कि आपकी स्किन ड्राई तो नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन रेगुलर तो नहीं रहती, या आपकी एसिडिटी फॉर्म तो ज्यादा नहीं होती जब आप खाना खाते हो, इवन आपको कोई नींद में कोई समस्या तो नहीं। ये कुछ छोटे थोड़े से सिम्टम्स हैं जिससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम वातज हैं या नहीं है। अगर हम पित्त की बात करें, पित्त मतलब फायर एलिमेंट, हम ये समझें कि जब आपकी अग्नि या आपका फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो आपको किस तरह के रोग होंगे, जैसे स्किन में इरिटेशन, स्किन में जलन रहना, पेट में जलन रहना, या उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको हमेशा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वार्म मिलता है। ऐसे लोगों को, वो बहुत ही गुस्से वाले व्यक्ति हो सकते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आता हो, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो पित्त वालों में बहुत ही सरल रूप में मिलते हैं। और इनका अक्सर जो प्रॉब्लम रहती है वो डाइजेशन सिस्टम से रहती है, उनको जो जठर अग्नि है उनकी डिस्टर्ब रहती है, या हम कहते हैं स्किन में कईयों को विटिलिगो होता है, कईयों को भ्राजक पित्त, अलोचक पित्त मतलब आईसाइट, इन चीजों में दिक्कत रहती है। कफ की बात करें तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर फेयर कलर में होते हैं, मतलब उनका रंग थोड़ा साफ होता है, या उनमें थोड़ा सा जो उनकी प्रकृति है या उनकी जो विकृति है वो थोड़े से आलस नेचर के होते हैं, और उसके साथ साथ लाइपोमा या उनकी कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का बढ़ना, या उनके पैरों में, हाथों में, मुंह पे स्वेलिंग होना जब वो सुबह उठते हैं, तो इन चीज़ों में उनको ये सिम्टम बहुत कॉमन है, उनमें पाए जाते हैं। तो ये वात पित्त कफ का एक जो आयुर्वेद में व्याख्या की गई है, इनके आधार पे ही हम व्यक्ति को समझकर वो डायग्नोस बना सकते हैं, और इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आयुर्वेद में हम नाड़ी परीक्षा, दर्शन परीक्षा या स्पर्शन परीक्षा, नाड़ी परीक्षा आपकी नव देखना, दर्शन परीक्षा आपको देखकर, आपके फीचर्स को देखकर ये समझना कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, या स्पर्शन आपको टेम्परेचर का देखना, आपको देखकर, आपको स्पर्श कर ये महसूस करना टेम्परेचर क्या है, तो ये डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और इसी के आधार पे तभी हम आयुर्वेद में कहते हैं कि रूट कॉज को ट्रीट करते हैं हम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव नहीं है, और रूट कॉज आपकी तासीर से जुड़ा होता है, हमें ये समझकर ही कोई ना कोई व्याधि का पता लगाना, उसको ठीक किया जा सकता है। आप मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।